तीन साल पहले मोदी ने बुलाकर समझाया, योगी ने भी संकेत दिए, शाह ने ताना मारकर सबक सिखाया, लेकिन बॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर तब भी नहीं सुधरे। अक्षय कुमार को अकल आई, कंगना मोदी की मुरीद हो गई, अनुपम खेर की भाषा बदल गई, लेकिन तीन खान, कपूर खानदान और रणवीर सिंह की अकड़ बाकी रह गई। अमिताभ फ्लॉप, जॉन की अटैक फ्लॉप, शाहिद की जर्सी फ्लॉप और अब आमिर खान की लाल सिंह चड्डा फ्लॉप। फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, एक ऐसा खौफ कि मुंबई छोड़ साउथ भाग रहे हैं सलमान। खबर तो यही है, बॉलीवुड की बर्बादी नहीं होती अगर इस फोटो की कहानी अनसुनी रह जाती। दर्शकों ने ठाना है बॉलीवुड को सबक सिखाना है, लेकिन अब सरकार ने भी साफ कर दिया है, सम्मान नहीं तो बॉलीवुड स्वीकार नहीं। तीन साल पहले पीएम मोदी ने बॉलीवुड सुपरस्टार से मुलाकात की थी, ये तस्वीरें याद होंगी आपको। तब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री के साथ तमाम बॉलीवुड के स्टार ने फोटो तक खिंचवाई, लेकिन पीएम को क्या उन्होंने हल्के में लिया। फिर शाह ने ऐलान के साथ तेलुगु सुपरस्टार एनटीआर से मुलाकात की तो पूरा बायकॉट ग्रुप झूम उठा। तीन साल पहले पीएम मोदी ने बॉलीवुड कलाकारों को पार्टी के नाम पर बुलाया, मुलाकात बहाना थी, असल में ये समझाना था कि फिल्म समाज का हिस्सा है, संस्कार समाज सभ्यता और धर्म को ध्यान में रखें, धन कमाना जरूरी है तो धर्म भी बचाना आपकी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी से चिपक चिपक कर सबने सेल्फी ली, लेकिन अकल में ये बात नहीं आई जो मोदी समझाना चाह रहे थे। मोदी ने समझाने की कोशिश की कि फिल्में समाज का आईना होती है, थोड़ा सोच समझ कर बनाए। तब कुछ एक्टर्स ने बात को हल्के में लिया जो फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन जिन्होंने मोदी की बात सीरियसली ली वो आज किंग बन रहे हैं। जो लोग नहीं समझे उन्हें समझाने के लिए मोदी ने योगी को उतारा, योगी बुलडोजर लेकर मुंबई पहुंच गए, वहां जाकर सबके साथ मीटिंग की, सबको समझाया कि देखो हिंदू सभ्यता को बदनाम मत करो, हम अपनी फिल्म सिटी बसा लेंगे, फिर मुंह ताकते रह जाओगे, देखेंगे कहां से यूपी बिहार के कलाकार लाओगे, कैसे 100 करोड़ की फिल्म बनाकर 200 करोड़ कमाओगे। उस मीटिंग के बाद कुछ कलाकार और सुधरे, लेकिन तीन खान, कपूर खानदान और रणवीर सिंह की अकड़ कम नहीं हुई। जो बात आज जनता कह रही है वो बात मोदी ने पहले ही समझा ली थी, सबको समझाया था कि राष्ट्रवाद के खिलाफ मत जाना, देश हित में फिल्में बनाना, लेकिन कोई नहीं समझा। तो मोदी ने समझाया कि धोनी की तरह क्रिकेट खेलो तो सेना की वर्दी भी पहनो, देश विरोधी धर्म विरोधी फिल्में ना बनाओ, फिल्में समाज का आईना होती हैं, कलाकारों को लगा जो फिल्म बनाएंगे दर्शक एहसान समझकर हिट करवाएंगे, लेकिन गलतफहमी निकल गई, आमिर जैसे फ्लॉप हो गए, अब शाहरुख की बारी है, ये बात समझ में नहीं आई तो जनता समझा देगी। आज बॉलीवुड में हाहाकार मचा है, शाह ने भी कह दिया है कि बॉलीवुड हमारी पुलिस की इमेज खराब दिखाती है। अब बॉलीवुड के भाईजान को डर सताया, सीधे टिकट साउथ का कटवाया और चिरंजीवी के साथ फिल्म शूट करने का तरीका निकाला, हो सकता है अब सम्मान बच जाए। साउथ के एक्टर जूनियर एनटीआर से शाह की मुलाकात हुई तो जनता ने सोशल मीडिया पर लिख डाला, सरकार भी बायकॉट बॉलीवुड के साथ है। मोदी से मिलने जो लोग आए थे उसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, एकता कपूर, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, करण जौहर, राजकुमार राव और भूमि जैसे कई बड़े लोग शामिल थे। सबने मोदी की बात एक कान से सुनी दूसरी कान से निकाल दी। साल 2017 में जब मोदी ब्लिंकन गए थे तब भी प्रियंका चोपड़ा से मुलाकात हुई थी, प्रियंका को भी समझाया था फिल्मों में थोड़ा अपनी संस्कृति को बढ़ावा दो। उसके एक साल बाद बॉलीवुड प्रोड्यूसर को भी समझाया था कि क्राइम कल्चर बहुत दिखाया जा रहा है, अब समाज को सीख देने वाली फिल्में बनाओ, जिसके बाद पृथ्वीराज और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में आई, लेकिन फिर भी पूरा बॉलीवुड नहीं सुधरा, नतीजा आपके सामने है। मोदी परिवारवाद के विरोधी हैं, लेकिन बॉलीवुड परिवारवाद के दम पर ही चल रहा है, वहाँ नए कलाकारों को मौका नहीं मिलता, नतीजा कुछ भी नया मिलता ही नहीं। जब देश के हर घर तिरंगा लगाया तो बॉलीवुड वालों को साफ सूख गया, साउथ के एक्टर ने जमकर तिरंगा लहराया तो देश तो उसी को ही देखेगा जो देश हित की बात करेगा। जिनको देश अपना हीरो बनाता है, जब कोरोना आया तो हीरो जीरो हो गए,
सिर्फ सोनू सूद और अक्षय कुमार जैसे कुछ कलाकार ही मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हुए आगे आए। यानी देश ने ऐसे बॉलीवुड एक्टर का ठेका नहीं लिया कि कुछ भी बनाएंगे, हम बैठकर वक्त बिताएंगे। अब देश स्टैंड लेता है। 3 साल पहले सुना होता तो आज बच जाते। अमीर की हालत देखकर सलमान खान तो ऐसे डरे कि मुंबई छोड़कर साउथ चले गए। वहां के सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ फिल्म गॉडफादर की शूटिंग में लगे हैं। ये डर अच्छा है, क्योंकि बॉलीवुड को लगता था वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, जनता बेवकूफ बनकर देखेगी। अब जनता को लगता है कि बॉलीवुड कुछ भी बनाएगा, जनता नहीं देखेगी। इसी को वक्त कहते हैं। कहानी बदल गई है और अब नई कहानी में जनता हीरो है, हीरो विलन है और डायरेक्टर सरकार है। सरकार ने भी इशारा कर दिया है कि बॉलीवुड खत्म, यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।